प्लस के लेवल्स देख चुका है, तो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल है ना? काफी नीचे आ चुका है, तो इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसमें हाँ दोनों कपड़ा कपड़ा भी है, मकान भी है, और ये बेसिकली नीचे आया था क्योंकि इनका जो फोकस था वो फॉर्मल वेयर पे था, एंड फॉर्मल वेयर बिकॉज ऑफ कोविड काफी धक्का पड़ा हुआ है उसको, तो हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एडवर्स न्यूज है, आई थिंक इट इज ऑल फुली प्राइस्ड इन, और यदि लास्ट 3 महीने का यदि हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, देन वी हैव सीन अ वेरी गुड पिकअप। शायद अभी बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव फिर से बिजनेस ठंडा है, पर आई थिंक वंस द सेकेंड वेव गेट्स ओवर, हम लोग जो लास्ट 3-4 महीने में पिकअप देखा था वो शायद आगे जाके देखें। और इनका काफ़ी एक्सपोजर है कैजुअल वेयर में भी, सो देयर आई थिंक देयर शुड बी एक्सट्रीमली गुड पिकअप गोइंग अहेड। टूल्स एंड हार्डवेयर है, ऑटो कॉम्पोनेंट्स है, जहाँ पे इन्होंने नियरली 50% ग्रोथ देखा है, और बिकॉज ऑफ कोविड इन्होंने जो इनका गार्मेंटिंग फैक्ट्रीज थे वहाँ पे उन्होंने कोविड पीपी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिसका भी डिमांड काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ऑफ विच वी हैव सीन एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स लास्ट लास्ट क्वार्टर का। और लास्ट 1 साल में कंपनी ने काफ़ी कॉस्ट रेशनलाइजेशन किया है, कॉस्ट कंट्रोल किया है, उसके कारण यदि देखें तो इफ़ यू कंपेयर विद FY20 ऑपरेशन कॉस्ट करीब 40% लोअर है FY21 में, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। और एफोर्डेबल हाउसिंग में इनका आगे जाके काफ़ी बड़ा ग्रोथ होने वाला है, ऑलरेडी दे हैव सोल्ड अबाउट 60% उनका जो इन्वेंट्री था लास्ट 1 साल में जो उन्होंने लॉन्च किया था वो इन्होंने बेचा है नियरली 60%, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। और रियल एस्टेट में टोटल कंस्ट्रक्शन इनका रियलाइजेशन होगा करीब 5,000 करोर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और जिसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ओनली अबाउट 1,000 करोर्स, तो ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स और पॉसिबली मैक्सिमम 7 ईयर्स 4,000 करोर्स का प्रॉफिट आने वाला है। सो आई थिंक ऑल दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर रेमंड। और यदि लाइफस्टाइल बिजनेस इनका डीमर्ज करता है, आई थिंक दैट विल बी वन मोर वेल्थ क्रिएटर। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड काफ़ी कम है, वेर एज अपसाइड, इमीडिएट अपसाइड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 430 का लग रहा है, बट देन इफ वन होल्ड्स ऑन फॉर अबाउट 1.5-2 ईयर्स, जो पहले के रेट्स देखे थे 800-1,000, शायद वहां तक पहुंच जाए। अरे वाह, तो डाउनसाइड कम है, अपसाइड पोटेंशियल तगड़ा है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल इस स्टॉक में, और इवेंचुअली अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड की तैयारी कर लीजिए। और ये बात सच है, जो चौथी तिमाही के नंबर्स आए बहुत स्ट्रांग, कॉस्ट कंट्रोल मेजर जो अमरीश सर कह रहे हैं, ऊपर से डेट भी क्यू ऑन क्यू सब्सटैंशली रिड्यूस करी इस कंपनी ने, तो थम्स अप था उन नंबर्स के लिए, और अभी स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुदीप सर से इस कैटेगरी का पिक लूं, उससे पहले बता दूं ये थीम तो पकड़ ली थी कि कमोडिटीज में बहुत तेजी हो रही है, तो इस पे शो बनाया जाए, इस पे कुछ एक्सपर्ट्स की बेहतरीन पिक्स ली जाएं, लेकिन जो नाम आया है ना इनोवेटिव सा, रोटी कपड़ा और मकान, इसका क्रेडिट जाता है शैल सर को। तो हम लोग जब नाम टोल रहे थे, ढूंढ रहे थे, तब शैल सर ने ये पकड़ा और हमारे ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, तो फाइनली ये इस पे फिर सबकी सहमति बनी और ये इनोवेटिव नाम इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सुदीप सर, आपकी तरफ से इस कैटेगरी टेक्सटाइल में, सबसे टेक्सटाइल नहीं कहूंगा, कपड़ा, कपड़े में सबसे अच्छी पिक कौन सी है सर? जी आशीष जी, जैसे अम्बरीश जी और आशीष जी बता रहे थे कि टेक्सटाइल में मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, और ये गेम चेंजर लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है, जो कि चाइना प्रोक्योरमेंट कम हो रहा है, बंद हो रहा है, और चाइना का एक्सपोर्ट इस आगे भी हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ये कम होगा, और इंडिया को बहुत बड़ा फायदा इसका मिल रहा है। तो इंडिया के सारे कंपनीज जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में थे उनको मार्केट शेयर गेन हो रहा है, और आने वाले दिनों में और भी फायदा होगा। ऐसा एक कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वर्धमान टेक्सटाइल, दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा Q3 में। अगर उनका एबिटडा देखे, एबिटडा सिग्निफिकेंटली जंप किया, टैक्स कुछ एडजस्टमेंट के कारण PAT में थोड़ा नेगेटिव था, पर वो टैक्स एडजस्टमेंट वन टाइम था, ऑप्शन लॉसेस कुछ थे इसके कारण नतीजे ठीक नहीं थे, पर हम लोग को लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है ये शेयर खरीदने का। जैसे हम जानते हैं यर्न प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉटन प्राइसेस भी स्टेडी स्टेबल है, डिमांड बढ़ रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में तगड़ा डिमांड है, तो सारे जो फैक्टर्स हैं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आगे बढ़ सकता है ये सेक्टर के सारे कंपनीज के शेयर प्राइसेस भी।
और वर्धमान का तो मैं 1600 रुपया तक का प्राइस देख रहा हूँ एक साल के लिए। तो यहाँ पे निवेशक जरूर निवेश कर सकते हैं ये जो साइकिल का बेनिफिट उठाने के लिए। अरे वाह, और आपने अब तक चाइना से मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट शिफ्ट केमिकल्स में सुना था, और यही चीज अब टेक्सटाइल्स में हो रही है। केमिकल्स में तो गजब की तेजी आई थी, इसका फायदा मिला था, सेंटिमेंट्स पहले, उसके बाद एक्चुअल हमने फायदा मिलता हुआ देखा था।